लड़ाई हमारी है कि आज के जनरेशन में आप देख रहे होंगे कि एक एक पति कम से कम दो दो तीन तीन पत्नियों के फेवर में फिल्में आ रही है। हमने एक पत्नी के फेवर में फिल्म बनाई है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है तू हवा हमार दुल्हा, हम है तुहार दुल्हा, ताकि एक पत्नी को एक पति के साथ ही सुख रहता है। अब एक मियान में दो तलवार तो रहेगी नहीं, इसलिए मैं इस फिल्म को बनाकर एक संदेश देना चाहता हूँ कि कभी भी इंसान रहे तो उसके साथ हमेशा समर्पित रहे, यही मेरा है सिद्धांत। फिल्म के स्टार कास्ट में हमारे अभी पहली बार तो विशाल जी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, विशाल जी हैं, संतोष जी हैं, अनुप अरोरा जी हैं, धर्मेंद्र जी भी हैं, खुशबू यादव हैं, दीपिका दिव्या यादव हैं, साइना सिंह हैं, डॉली गुप्ता है, रूपा सिंह मिश्रा हैं, सारे बहुत कलाकार, अनुप अरोरा सर हैं, आयाज खान है, हीरा भाई हैं, हमारे टीम के सब लोग, मार्केट के ही सारे लोग हैं, अब तो सब लोग जान ही रहे हैं, अब कम से कम टीम बहुत बड़ी है, ये बरसात में मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ बताइए, कितना अलग फिल्म बन रही है? फिल्म तो बहुत अलग हटके है, अभी आप जितने भी सिनेमा देखेंगे सब चार चार हीरोइन तीन पत्नियों को लेकर के फिल्म बनाते हैं, हमने एक ही हीरोइन एक ही पति को लेकर फिल्म बनाई है, ताकि लोगों में जो देखिए हम जो देखते हैं उसी को हम फॉलो करते हैं, जो सिनेमा हम देखते हैं उसी को हम फॉलो करते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए मैं सिनेमा को बनाया है ताकि इस चीज़ को रियल और लीगल चीज़ है, और ये सत्य है कि एक पति को एक पत्नी को एक ही एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए, चरचर पत्नियाँ चरचर पति नहीं होना चाहिए। इसमें फैमिली एक्शन ड्रामा भी है, इसमें हॉरर भी है और एक्शन भी है, हर तरह के मतलब कॉमर्शियल फिल्म है। सर जैसा भी हम सीन देख पा रहे हैं, और इस फिल्म में सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे हिंदुस्तान के दशरथ गद्दी के महाराज ब्रिजमोहन दास जी भी काम कर रहे हैं, जो बड़ी सौभाग्य की बात है, और बहुत जल्द हमारे वहाँ पधारेंगे वो, और इस फिल्म में बहुत बड़ा योगदान उनका है कि इस फिल्म में उन्होंने स्टोरी सुना, उन्होंने कहा कि मैं ये रोल मैं ही करूँगा, ये बहुत बड़ी बात है। सर जैसे कि देख पा रहे हैं पीछे जो है बहुत पुराने ज़माने का घर दिखा रहा है, और जो सीन भी है बहुत पुराने आप दिखा रहे हैं, शायद हमको होश भी नहीं होगा कि ऐसा था, लेकिन हमने ये अपने बाबू जी के मुँह से मैं सुनता था कि कच्चे मिट्टी होती थी, लोग पहले बैंड बाजा नहीं होता था, पैदल बारात जाते थे, सुना करते थे हम, वह कल्पना करके हमने इस सिनेमा को बनाया है। डोली में दूल्हा दुल्हन कैसे जाते थे, चरचर लोग उठा करके 10-10 किलोमीटर दूर लेके जाते थे, ये सब सारी चीज़ों को मैंने सर्च किया। इसके पहले बहुत लोगों ने फिल्म बनाया है, नाम नहीं लूँगा, लेकिन रियल है कि भोजपुरी में वो चोरों यह चीज़ दिखा ही नहीं पाए लोगों ने, जो ये इसमें देखने को लोगों को मिलेगा। अलग सब्जेक्ट काम करने के लिए इसमें हमको कम से कम 4 महीना इस स्टोरी पे 7 बार लिखाई हुई है। हाँ 4 महीना इस प्रोजेक्ट के अलावा मैंने दूसरी फिल्म नहीं छुआ, जो कि मैं 10 फिल्म साइन करके बैठा हूँ, लेकिन मेरा एक ही सिद्धांत होता है कि जिस प्रोजेक्ट को मैं पकड़ता हूँ उसमें पूरी तरह से डूबने के बाद हम ले कर निकल के आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। बहुत कठिनाई है, बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि उस परिवेश में हमने रहा ही नहीं ना, भेली का पानी बारात में पियाया जाता था, उस परिवेश हमने देखा ही नहीं, अब उस चीज़ को हमको करना पड़ा तो हमको सोचना पड़ रहा है, लेकिन हाँ बूढ़ बुजुर्ग यहाँ पे हैं, उनसे थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। और विशेषकर ये है कि हमारी फिल्मों में आपको संस्कृत संवाद सुनने मिलेगा, जिसे बोलते हैं शिष्टाचार, मर्यादा इस फिल्म में दिखाया जा रहा है, और मर्यादा वो चीज़ें हैं जो हमारी परंपरा आज के डेट में बिल्कुल एकदम गायब हो गई है, हम उस चीज़ को चाह रहे हैं कि फिर वो चीज़ें हो, क्योंकि आज के डेट में लोगों के पास वक्त ही नहीं देते, रिश्ते नाम की चीज़ें नहीं, बारात जाते खाना खाते चल देते हैं, लेकिन असली सुख अखिली बारात का तभी वो चीज़ें फील आती है जब मर्यादा आदमी रहता है। फिल्म के प्रोड्यूसर साहब कितना सपोर्ट मिल रहा, क्या कहना चाहेंगे? प्रोड्यूसर साहब तो हमारे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं बेचारे, एक सिक्का लेकर के आए थे वो हमारे पास, वो एक सिक्का लेकर के आए थे फिल्म बनाने के लिए, आज वो भोजपुरी की वीक फिल्म बना रहे हैं, हमने पैसा रख के फिल्म नहीं बना रहा हूँ मैं, हमारी टीम हमारे साथ खड़ी है, और आपको भी तो देख के लग रहा है बिना पैसे कुछ होता भी नहीं है, लेकिन
एक सिक्का लेके मेरे पास आई थी फिल्म बनाने के लिए, और फिल्म देखिए बनाकर आपके सामने लोग सामने भी निर्माण चल रहा है, कार्य चल रहा है, और बहुत जल्दी ही फिल्म को बहुत जल्दी हम ट्रेलर छोड़ेंगे मार्केट में। और फिल्म हमारी बनने से पहले हमारे हर कंपनियों का फ़ोन आने लगा कि सिनेमा को मैं लूँगा, मुझे सिनेमा चाहिए।